सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज पुराणवाचक लोग भी कथा के नाम पर दुनिया की इधर उधर की बात करके समय नष्ट कर देते हैं, आपको पुराणों का परिचय नहीं कराते हैं। ऐसे हमारे जैसे लोग भी अपराधी हैं कि जिनको पुराणों की कथा न्यायपूर्वक सुनाना चाहिए। हर कोई बहुत विद्वान हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर कोई व्याकरणविद हो और अन्वय टीका करे आवश्यक नहीं है, लेकिन मूल जो हिंदी की कथा है जो हर कोई समझ सकता है, उस कथाओं का तो उद्घाटन कर सकता है हर कोई व्यक्ति। उससे भी बड़ी बात बुरी मुझे लगती है कि भजन गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका है, कवितावली है, बहुत सारे मीराबाई हैं, सूरदास हैं, केशवदास हैं, इन्होंने सुंदर सुंदर पदावली और भी बहुत बहुत अच्छी रचनाएं हैं, उन सारी रचनाओं को छोड़ करके अपने मन से उल्टे सीधे भजन बनाते हैं, अरे रे मेरी जान है राधा। ये क्या शब्द है, क्या हो रहा है, ये क्या भजन? राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। और आप लोग को ऐसे भजनों को आप बंद क्यों नहीं कराते? मंच से वो गाता है और आप लोग नाच पड़ते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? आप अपने इष्ट देव का अपमान में नाचते हैं? आप लोग आग्रह क्यों नहीं रखते इस चीज का कि सत्संग में फिल्मी तर्ज हो सकती है लेकिन शब्दावली आदरपूर्वक होनी चाहिए। फिल्मी तर्ज पे हो भजन, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शब्दावली उटपटांग नहीं होना चाहिए। और इसका आग्रह आप, क्योंकि देखिए बाजार में वही चीज बिकती है जिसकी मांग होती है। यदि आप लोग ऐसा आग्रह नहीं रखते हैं तो ऐसे लोग बढ़ते चले जाएंगे, फिर मंच से हमारी जो प्राचीन धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, वो लुप्त होती जाएगी और ऐसी फालतू की चीजें आपके सामने आएगी, फिर आने वाली पीढ़ी समझेगी कि हमारा धर्म ऐसा ही है। आपको गणेश जी बिठाना चाहिए तो आप गणेश जी को कुछ का कुछ बनाते रहते हैं, मूर्तिकार अपनी मूर्ति से गणेश जी को कभी कोई रूप दे देता है, कभी रौद्र रूप दे देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी किसी नेता की आकृति बना देंगे, कभी गणेश जी को कोट टाई पहना देंगे, ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा है? जब आप गणेश जी को लाने जाते हैं तो डीजे में फिल्मी गीत बजाते हैं, जब विसर्जन के लिए जाते हैं तो डीजे में फिल्मी गीत बजाते हैं आप, यही आपका शास्त्र आपको आज्ञा देता है। आप लोग आग्रह क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं विरोध करते ऐसी चीजों का कि यदि कोई ऐसा गणेश जी के साथ में या भगवती के साथ में कोई खिलवाड़ करेगा, हमारी सांस्कृतिक हमारे धर्म के साथ में कोई खिलवाड़ करेगा तो हम उसको चंदा नहीं देंगे, हम उसका विरोध करेंगे, हम अपने कॉलोनी में अपने नगर में ऐसे गणेश उत्सव होने नहीं देंगे? दोनों बराबर के अधिकारी होते हैं, दोनों बराबर के अपराधी होते हैं।